जिले में पुलिस अधिकारियों को संकट के समय आम नागरिकों की जान बचाने के लिए CPR का प्रशिक्षण दिया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक निमाड़ रेंज तिलक सिंह के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मवीर सिंह के मार्गदर्शन में जिले के समस्त अनुभागों में CPR संबंधी जागरूकता का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि पुलिस बल के अधिकारी कर्मचारियों जो किसी घटना में फर्स्ट रिस्पोंडर्स होते हैं, उन्हें किसी भी या घायल व्यक्ति जिसे कार्डियक अरेस्ट या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसे CPR की मदद से उनकी जान बचाई जा सकती है। कार्डियक अरेस्ट या सांस न ले पाने जैसी आपातकालीन स्थिति में जान बचाने के लिए CPR एक महत्वपूर्ण तरीका है। कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन CPR एक आपातकालीन प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति की सांस या दिल के रुकने पर उसकी जान बचाने में मदद कर सकती है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। रेस्पिरेशन देने उसको ब्रीथ करके उसको माउथ ओपन वगैरह करके देख लेना है कि उसके मुंह में कुछ पार्टिकल्स वगैरह तो नहीं है, मुंह में कुछ ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा, वॉमिटर्स तो नहीं आ रहा। अगर ये कुछ आ रहा है तो उसको आपको ब्रीथ करना जरूरी है। तो ये अगर उसकी सांस में आपने ये करा और उसको ब्रीथ करोगे, अगर ये उसकी टेकिया वगैरह में चला गया तो वो फिर दिक्कत हो जाएगी। सबसे जरूरी चीज़ है कि भाई आप प्रॉपर वो करो और कॉल फॉर हेल्प हो, और जब तक वो नहीं आता है इसको आपको 100 से 120 बार इसको करना है एक मिनट के अंदर। और बीच बीच में 2 मिनट डॉक्टर किस पॉइंट पे प्रेस करना है, पॉइंट ये स्टर्नम पे, ये जो स्टर्नम बीपी स्टर्नम दोनों अपने इसके बीच में जो है ये इसको करना है। और ये आपको एल्बो स्ट्रेट रखनी है, फुल लॉकिंग पोजीशन में रखना है, नीचे कुल मिला के ये हमारे कर्मचारी भी इतना गाँव करते ही रहते हैं करते को तक, और पुलिस से अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा हैं आम जनता की। आम जनता ये सोचती है कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने के साथ साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ इस क्षेत्र में भी चूंकि फील्ड में रहती है तो वो इस तरह के कार्यों का भी अनुभव रखे और जब जरूरत पड़े तो उसका मदद कर सके। तो ये हमारे खुद के विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के लिए भी फायदेमंद होगा, आम जनता के लिए तो फायदा होगा ही होगा। तो निश्चित तौर से जो सिखलाई आज होगी उस पर आप लोग रुचि लेके उसको सीखिए, और बीच बीच में भी डॉक्टर महाजन साहब से अनुरोध है कि आप इस प्रशिक्षण के बाद में भी आप बीच बीच में रखते रहिए, बल्कि जब कभी आपका देहात में कहीं जाना हो या जो भी हो उस ट्रेनिंग को इमरजेंसी कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेडिकल की जो हमारे पुलिस कर्मचारियों को सबको प्राइमरी रूप से आना चाहिए। तो ये लगातार प्रशिक्षण रहे और डीजी साहब की मंशा थी और पूरे प्रदेश में आज रखा गया है प्रशिक्षण, ये निश्चित तौर से फायदेमंद होगा। और कर्मचारियों को ये विश्वास जब हो जाएगा कि हम कुछ कर सकते हैं तो वो संकोच भी नहीं करेगा मेडिकल एड देने के लिए। इतना व्यक्ति है तो उसमें सबसे पहले जो रेस्पॉन्ड करने वाला है, सबसे पहला फर्स्ट रेस्पॉन्डर, चाहे वो 100 डायल का हमारा आरक्षक हो, चाहे थाने के बीट प्रभारी हो, चाहे थाने का स्टाफ हो, चौकी का स्टाफ हो, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में फर्स्ट रेस्पॉन्ड करने वाला पुलिस का जवान होता है। 100 डायल या 108 मोबाइल भी आती है तो उसमें भी पुलिस के जवान जाते हैं। आज के समय में पोस्ट कोविड के बाद से आप लोग वीडियो देखते होंगे, कोई जिम करता हुआ किसी डेथ हो रही है, कोई खाना खाते हुए डेथ हो रही है, कार्डिक अरेस्ट बहुत कॉमन इश्यू हो गए हैं। ये बहुत तेजी से महसूस किया जा रहा है कि कार्डिक अरेस्ट की समस्याएं यंग जनरेशन में भी है, बड़ी एज में भी, हर एज के व्यक्ति को कार्डिक अरेस्ट इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। तो जो टेक्निक है, जो मेडिकल इमरजेंसी आती है उसमें हम लोग क्या मदद कर सकते हैं, अभी बीच का पिछले दिनों का अनुभव, 2-3 घटनाएं आप लोगों ने यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे देखी होंगी। एक घटना था ग्वालियर में, संज्ञान में आती है, ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे एक व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आया, वहाँ पे उपस्थित एक पुलिस जवान ने जब उसको CRP टेक्निक के जरिए उसको मदद पहुँचाई तो उसका हार्ट रिवाइव कर गया। कई सारी सिचुएशन में जो हार्ट स्क्यूज हो जाता है उसको पंपिंग के जरिए हम दोबारा एक बार उस सिचुएशन में ला सकते हैं। तो ये बहुत कॉमन टेक्निक है, आम आदमी को भी आना चाहिए, पुलिस जवानों से तो अपेक्षा है क्योंकि हम लोग उस सिचुएशन में मौजूद रहते हैं। यदि हम उस टेक्निक को सीख जाएं हो सकता है अपने लाइफ में, अपने कैरियर में किसी की जान बचा पाए। अनुभव रहा और आगे क्या इसमें जो है अपनाएंगे इस टेक्निक,
वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा PSQ के जो आदेश हैं DGP साहब के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जितने जिले हर जिलों में इसका प्रशिक्षण दिया गया है आज, और इसके द्वारा ट्रेनिंग जो दी गई है इसके द्वारा क्या है कि CPR के जरिए व्यक्ति की जान कैसी बचाई जाए। तुरंत CPR दिया जाता है, किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक वगैरह कुछ आता है तुरंत CPR दिया जाए तो उससे व्यक्ति की जान बच सकती है। ये आम जनता के लिए भी है, सबके लिए भी है। जहाँ उपचार तुरंत ना मिलता उसको CPR दिया जाए तो उससे व्यक्ति की जान बच सकती है। कोतवाली में सारे पुलिसकर्मियों को जीवन रक्षा बचाने जीवन के बचाने के लिए CPR की ट्रेनिंग ली गई है, जिसमें इमरजेंसी होने पर किसी कोई बेहोश हो जाए मरीज या उसका हार्ट की गति रुक जाए या कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो उसको हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो इसकी जो टेक्निक है बहुत सिंपल टेक्निक है जो सारे पुलिस वालों को आज दी गई है और सबने अच्छे से ध्यान से सीखी है इसको। ये पुलिस मुख्यालय पर ये आदेश के अनुसार ये हुआ है। डेमो करके भी बताया गया, इसमें हमने एक डेमो करके पुलिसकर्मियों को लिटा के कैसे करनी है, कैसे पोजीशन रखनी है, कैसे चेस्ट पंप करना है, चेस्ट कंप्रेशन कैसे देना है, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कैसे देना है, और सारी तकनीक इसमें वीडियो के माध्यम से और लाइव डेमो करके हमने दिखाया गया। इसमें क्या नाम लिखते हैं? मैं डॉक्टर अशोक महाजन। ट्रेनिंग सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को दी जा रही है। खरगोन जिले में भी 5 स्थानों पर ट्रेनिंग आयोजित की गई है। अभी ये कंट्रोल रूम में ट्रेनिंग चल रही है, इसके बाद पुलिस लाइन में होगी, इसके अलावा SDOP सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर ट्रेनिंग होगी। इसमें हमारा कोशिश ये है कि बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी कर्मचारी CPR के बारे में समझें और CPR के बारे में जो बेसिक ट्रेनिंग है उसमें पार्टिसिपेट करें। या जिला चिकित्सालय से जो डॉक्टर्स आए हुए हैं उन्होंने अभी उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी है। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर है वो हमारा पुलिस का जवान और पुलिस के अधिकारी होते हैं। उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं जब कार्डियक अरेस्ट हुआ है या कोई ट्रॉमा की सिचुएशन है या ट्रोलिंग केसेस हैं उसमें यदि समय रहते हुए जो गोल्डन टाइम रहता है फॉर 7 मिनट्स का, तो गोल्डन टाइम में यदि CPR टेक्निक के माध्यम से उसके हार्ट को या लंग्स को रिवाइव कर पाएँ बहुत संभावना रहती है कि वो पुनर्जीवित हो जाए, उसके स्वस्थ होने की संभावना रहती है। तो काफ़ी वीडियो के माध्यम से चिकित्सक ने डेमो के माध्यम से ट्रेनिंग दी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो शुरुआत पुलिस मुख्यालय से DGP साहब के निर्देश पे हुई है उससे हमारे जो जवान प्रशिक्षित होंगे वो फील्ड में कभी न कभी सर्विस के दौरान मौका आने पर CPR टेक्निक का उपयोग करेंगे और आम नागरिक की जीवन बचाने के लिए अपना जो रोल है उसको अदा कर पाएंगे। तो बहुत ही उपयोगी टेक्निक है और काफ़ी उत्साह से सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये CPR टेक्निक निश्चित रूप से इमरजेंसी सिचुएशंस में आम नागरिकों की मदद में काम आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।